इस मूवी की शुरुआत होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम नोरा और एलिस था। वो लोग अपना वैकेशन मनाने कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में नोरा एलिस से बाथरूम जाने का बोलती है, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट के सामने अपनी कार रोक देता है। तब वो लोग देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के दरवाजे लॉक थे और साथ ही उस पूरे टाउन में कोई भी नहीं था, लेकिन नोरा को बाथरूम जाना था और वो वेट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे चली जाती है जहाँ उसे एक फोन और एक वॉलेट मिलता है। साथ ही उसे वहाँ काफी सामान दिखता है जो लावारिस पड़ा था। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उसे ज्यादा सीरियसली ना लेकर अपना काम निपटाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नोरा के कुछ ही दूर एक ह्यूमन स्केलेटन पड़ा था जिसके बारे में वह भी अनजान थी। अब नोरा के वापस जाने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, तब नोरा एलिस को उस वॉलेट और सामान के बारे में बताती है, लेकिन वो भी उसे नजरअंदाज कर देता है। अब आगे रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसकी कार शायद खराब हो चुकी थी, इसलिए एलिस अपनी कार रोक देता है और नोरा उस औरत के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तब वो औरत उल्टा उसे ही भला बुरा कहने लगती है और बोलती है कि उसे मदद की कोई जरूरत नहीं, जिस पर नोरा उसे उसकी हालत पर छोड़कर एलिस को वहाँ से चलने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे वो लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ वो लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एक लड़का उन्हें अजीब तरह से देख रहा है, लेकिन वो उसे भी नजरअंदाज कर देते हैं और अपना खाना खत्म करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़का अचानक नोरा को रोककर उसे बोलता है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है, लेकिन नोरा उसे पागल समझकर वहाँ से निकल जाती है। अब आगे उन्हें गैस स्टेशन मिलता है जहाँ वो लोग अपनी कार में गैस डलवाते हैं और एलिस वहाँ के ओनर से किसी होटल या मोटेल के बारे में पूछता है। तब वो उन्हें बताता है कि आगे रास्ते में उन्हें कुछ वुडन कैबिन्स मिलेंगे जहाँ वो लोग अपनी रात गुजार सकते हैं, जिस पर वो लोग उसकी बात मानकर आगे का सफर शुरू करते हैं। लेकिन काफी सफर की वजह से एलिस थक चुका था, इसलिए वो लोग कैबिन इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं और एक कैबिन के पास रुक जाते हैं। तब कैबिन के बाहर उन्हें काफी सारी गाड़ियां नजर आती है, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें सब कुछ सुनसान दिखता है, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है जो दिखने में काफी अजीब था। वो आदमी वहाँ का लैंडलॉर्ड था, वो उनका वेलकम करता है, जिस पर एलिस उससे एक रूम मांग लेता है। तब वो लैंडलॉर्ड उन्हें उसके पीछे आने को कहता है, लेकिन नोरा यहाँ काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि वहाँ की हर एक चीज काफी अजीब थी। तब वो लैंडलॉर्ड उन्हें रूम दिखाकर इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन नोरा को वो काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, जिस पर वो लैंडलॉर्ड गुस्से से वहाँ से चला जाता है और रात होते ही वो दोनों सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके बेड के नीचे कोई आदमी छिपा बैठा था जिसने किसी तरह का जानवर सा दिखने वाला मास्क पहन रखा था। वो आदमी उनके पास आकर गहरी नींद में ही उन्हें बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह जब नोरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी केज में बंद है। खुद को इस हालत में देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाती। तभी ठीक वैसा ही जानवर वाला मास्क पहनकर कोई आदमी उसके पास आता है जो उसे किसी कमरे में ले जाकर बांध देता है। अब नोरा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग कौन है और उससे क्या चाहते हैं। तभी एनिमल मास्क पहनकर एक लेडी उस रूम में आ जाती है और उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगाकर आर्टिफिशियल तरीके से उसे प्रेग्नेंट कर देती है, जिसके बाद दो आदमी वहां आकर उसे केज में डाल देते हैं और कहीं ले जाने लगते हैं। तब रास्ते में नोरा देखती है कि उस फार्म के हर एक आदमी ने एनिमल मास्क पहना था और वहां पर खुलेआम लोग इंसानी मांस काट रहे थे। इसके बाद वो लोग नोरा को एक कमरे में डालकर लॉक कर देते हैं। इधर हम एलिस को देखते हैं जहां उसे और उसके जैसे कई लोगों को अलग अलग पिंजरों में कैद करके रखा गया था। तभी हाथों में हथौड़ा लिए वहां कुछ एनिमल मास्क मैन आ जाते हैं जो उन लोगों को हथौड़े से मारकर बेहोश कर देते हैं और उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगते हैं। एलिस के साथ भी यही होता है और उसे भी एक वेयर हाउस में लाया जाता है जहाँ पहले से ही काफी सारी डेड बॉडीज मौजूद थी और वहाँ मशीनों के जरिए इंसानों को काटा जाता था। अब आगे हम मास्क पहने किसी आदमी को देखते हैं जो किसी को पैसे देकर एक बॉडी खरीद लेता है और वहां से वो उस आदमी के पास जाता है जो उस कैबिन का लैंडलॉर्ड था। वो लैंडलॉर्ड उसे 80 लोगों के खाने का ऑर्डर देता है और किचन में जाकर सबको खाना बनाने के लिए 3 घंटे का समय देता है, यानी ये लैंडलॉर्ड ही उस कैबिन के आड़ में इंसानी मांस का बिजनेस चला रहा था। इसके बाद हम काफी सारी लड़कियों को देखते है जिन्हें पिंजरे में बंद करके मिल्क काउ बना दिया था और मशीनों के जरिए उनका दूध निकाला जाता था। तभी वहाँ एक लड़की एक बच्चे को पिंजरे में ही जन्म देती है। तब वो लोग उसका बच्चा छीन लेते हैं और उसे काफी बेरहमी से मार देते हैं, जिससे वहाँ की सारी लड़कियाँ घबरा कर रोने लगती है, लेकिन उन दरिंदों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें उस बच्चे की कोई जरूरत नहीं थी और उन्हें सिर्फ मिल्क से ही मतलब था।
इसलिए वो लोग उस बच्चे को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ उस गैस स्टेशन के ओनर को देखते हैं, यानी वो भी इनके साथ डायरेक्टली मिला हुआ था। वो एक लड़की के पास जाकर उसे पीने दूध देता है, जिस पर वो लड़की उसे गालियां देने लगती है, इसीलिए उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे काफी बेरहमी से मार देता है। इधर नोरा उसके पास वाले कमरे में झांक कर देखती है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसकी हालत काफी खराब थी। नोरा उससे बात करके उस फार्म की जानकारी लेने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ लड़कियों को आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है और बंदी बनाकर मिल्क काउ बनाया जाता है ताकि उस दूध को बेचकर वो पैसे कमा सके। जिस पर नोरा उसे वहाँ से भागने का रास्ता पूछती है तब वो लड़की उसे बोलती है कि वो पिछले 2 साल से यहाँ कैद है क्योंकि वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। वो उसे ये भी बताती है कि उसके इन 2 सालों में कई मिसकैरेज हुए है जिससे अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसीलिए वो लोग अब उसे मार देंगे। तभी नोरा को पास वाले कमरे से किसी एशली नाम की लड़की की भी आवाज सुनाई देती है जिसे 2 हफ्ते पहले ही इन लोगों ने किडनैप किया था। तब नोरा उसे वहां से बचाने का वादा करके उसे दिलासा देती है। इधर वो लैंडलॉर्ड उसके आदमियों को बेकार लड़कियों को मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर वो लोग नोरा के पास वाले कमरे में आते हैं और नोरा देखती है कि वो लोग उस लड़की को लटका देते हैं और काफी खौफनाक तरीके से उसका गला और पेट काट कर उसे मार देते हैं और उसके पार्ट्स को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यह देखकर नोरा काफी ज्यादा डर जाती है और तभी किसी तरह एलिस वहां पहुंच जाता है जो काफी ज्यादा बुरी हालत में था। वो नोरा को आजाद करता है और जैसे तैसे वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो फार्म काफी बड़ा था जहां जगह जगह पर उन लोगों का पहरा था। वो ज्यादा देर उन लोगों की नजरों से बच नहीं पाते और वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी भागते भागते एलिस एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसके पैर से काफी खून निकलने लगता है। तब नोरा उसे वहां से छुड़ाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो बुचर्स वहां आने लगते हैं, इसलिए नोरा उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। तब वो बुचर्स एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एलिस के सर में मार देते हैं जिससे जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। तब नोरा भागकर उस वेयर हाउस में पहुंच जाती है जहां आदमियों को कैद करके रखा जाता था। वहां वो एक कैदी से भागने का रास्ता पूछती है जिस पर वो उसे वहां के ट्रांसपोर्ट की बस के बारे में बताता है जिसका इस्तेमाल वो बुचर्स लोग करते थे। वो उसे बोलता है कि उसे वो बस खुद चलाकर वहां से भागना होगा जिसकी चाबी पास ही के एक घर की खिड़की में होगी। उसकी बात मानकर नोरा वैसा ही करने का फैसला करती है लेकिन जाते जाते वो वापस उस कमरे के पास जाती है जहां उसे कैद करके रखा था। वो वहां से एशली को अपने साथ लेकर भागने लगती है जिसके बाद वो दोनों किसी तरह भाग कर उस बस के पास आ जाते है। तब नोरा उस कैदी के बताए अनुसार चाबी ढूंढने पास के एक घर में जाती है जहाँ उसे चाबी मिल जाती है, इसलिए वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और जल्दी से भागकर बस में चढ़ जाते हैं। तब जल्दी से नोरा उस बस को स्टार्ट करती है और बस के शुरू होते ही खुशी से पीछे एशली की तरफ देखती है। तब उसकी खुशी पूरी तरह से टेंशन में बदल जाती है क्योंकि पूरी बस उन बचर्स लोगों से भरी पड़ी थी। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि वो अब पूरी तरह से फंस चुके हैं और सीन चेंज हो जाता है जहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि नोरा और एशली उन दरिंदों की प्लेट में किसी डिश की तरह सजे थे जहाँ वो लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दरअसल इस मूवी में दिखाए गए फार्म में एक बिजनेस होता था जहाँ कई कस्टमर्स काफी तगड़ी कीमत देकर इंसानी मांस और इंसानी दूध का ऑर्डर देते थे और उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए ये लोग कई टूरिस्टों को किडनैप करके यहाँ लाते थे और लड़का रहा तो बुचरिंग करके मार देते थे और लड़की रही तो मिल्क काउ बनाकर उसे जिंदा रखते थे। और यह फार्म काफी बड़ा और दूर होने की वजह से वहां से कोई भाग नहीं सकता था। अब गाइज आपको बता दूं कि इस मूवी में सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि कैसे जानवर अपनी जिंदगी जीते हैं और कैसे इंसान उसके साथ बिहेव करता है। अगर इंसानों की जगह जानवर होते और जानवरों की जगह इंसान तो बिल्कुल ऐसा ही होता जैसे इस मूवी में दिखाया गया है। इसलिए मूवी के हर एक बुचर ने अपने मुंह पर जानवर वाला मास्क पहनकर इस दर्द की झलक दिखाने की कोशिश की है। खैर अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करके और एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हो जाइए।